एक और बार शहर की व्यवस्थित करने की दिशा में नगर निगम ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बस स्टैंड सहित शहर के प्रमुख स्थलों पर अतिक्रमण कर यातायात व्यवस्था को बाधित कर दिया गया था। लगातार मिल रही शिकायत के बाद बस स्टैंड से कंडम बसों को हटाने नोटिस जारी किया गया, पर इतना ही नहीं नए ठेलों को भी हटाकर उन्हें जब्त किया गया। निगम की कार्रवाई का बस मालिकों ने समर्थन किया है। वहीं निगम के अधिकारियों का कहना है कि अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी और तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बस स्टैंड में जो है नगर पालिका निगम आए हुए हैं, हमें इनका स्वागत करता हूँ। अगर ये कार्रवाई कर रहे हैं, बस स्टैंड को साफ सुथरा बना रहे हैं, स्वच्छ बना रहे हैं, इनका स्वागत है। लेकिन इनको क्या है ना, एक बराबर की नीति से देखा जाए, सभी वे बस स्टैंड को मतलब पूरा स्वच्छ करवाया जाए, चाहे मेरी बसें हों चाहे किसी की भी बसें हों, सबको हटा दिया जाए। मान में जो कल कार्रवाई की गई उसमें दो ठेला जो नए रखे गए थे, और कमिश्नर साहब के स्पष्ट निर्देश है कि जितने भी ठेले अब जो हैं उनको कहीं भी व्यवस्थित करने के लिए कार्रवाई की जाए, साथ साथ नए ठेले बिल्कुल लगने के लिए मना कर दिया जाए। उसी तात्पर्य में दो ठेले बिना अनुमति के अचानक रात को लगा दिए गए थे, उसको हटाने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा